नमस्कार फैशन चैटर फैमिली, होप आप सब बहुत अच्छे से होगे, अपना ढेर सारा वाला ध्यान भी रख रहे होगे और बहुत एंजॉय कर रहे होगे फेस्टिव टाइम को। तो गाइस आज हम कंटिन्यू करने वाले लहंगा हॉल के पार्ट टू को। अगर किसी ने पार्ट वन को मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग इजिली जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं पार्ट टू को। आज का पहला आइटम है गाइस स्काई तारा का ये येलो लहंगा। इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी भी मिलने वाली है, सिक्विन वर्क भी मिलने वाला है। तो चलिए आइटम देखते हैं फटाफट से। इसका जो लहंगा है गाइस ये नेट में मिलने वाला है। इस तरीके से आपको इसमें फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है जो कि काफी अच्छी सी है। और इसका जो गाइस बॉटम है ना, इसके बॉटम पे ना गाइस आपको इस तरीके का सीक्वेंस वर्क भी मिलने वाला है और ये सिमिलर एम्ब्रॉयडरी भी मिलने वाली है जो कि इसको काफी ग्रेस दे रहा है। इसके अंदर गाइस आपको ये सिल्क की लाइनिंग मिलने वाली है और यहाँ पर भी आपको ये लाइनिंग मिलने वाली है मोटी सी जो कि इसको काफी अच्छा सा एक कवर दे रही है। इसकी जो चोली है गाइस ये भी स्टिच नहीं है और इसको आपको स्टिच कराना पड़ेगा। और इसमें भी आपको ये ओवरऑल सिक्वन वर्क मिलने वाला है और इस तरीके की सिमिलर एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलने वाला है फ्लोरल प्रिंट में जो कि बहुत ही प्यारा सा है। तो जब ये पूरा रेडी हो जाएगा गाइस तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। इसका जो दुपट्टा है गाइस ये प्लेन रहने वाला है, नेट में रहने वाला है एंड इस तरीके का आपको इसमें बॉर्डर मिलने वाला है, एक सिंपल सा लेस है ये। इसका जो सेल प्राइस है गाइस वो मुझे 569 रुपीज पड़ा जो कि इसके पूरे स्टाइल को देखते हुए मुझे काफी अच्छा लगा। चलिए देखते हैं इसका ट्राई ऑन। नेक्स्ट आइटम गाइज अनारा का फ्लोरल प्रिंट सेमी स्टिच लहंगा है। इसका जो स्कर्ट है ये कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है, फ्लोरल प्रिंट रहेगा ओवरऑल। और इसका जो वेस्ट बैंड है गाइज ये कुछ इस तरीके से आपको एम्ब्रॉयडर्ड एंड सिक्विन वर्क में मिलने वाला है। मैं आपको क्लोजअप करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको सिक्विन में मिलने वाला है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी रहेगी और काफ़ी प्यारा सा एक आपको वेस्ट बैंड पे ये लुक देने वाला है। रेस्ट ऑफ द लहंगा जो है गाइज उसके ऊपर आपको फ्लोरल प्रिंट मिलने वाला है। इसमें एक बड़ा ही प्यारा सा आपको शाइन मिलने वाला है क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है ना गाइज ये आपको सैटन के कपड़े में मिलने वाली है। बहुत ही शाइनी सा एक टेक्सचर है इसका और गाइज इस लहंगे के फ्लेयर्स इतने ज़्यादा है ना, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स मिलने वाले हैं जो कि मुझे इस लहंगे का एक प्लस पॉइंट लगा। इसकी जो चोली है गाइज उसमें आपको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी एंड ओवरऑल सिक्विन वर्क मिलने वाला है। ये वैसे नेट में है ऊपर से आप देख सकते हो और ये इस तरीके का आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा और आपको बैक साइड पे ये साथ ही में लाइनिंग भी अटैच्ड है। मैं प्लान कर रही थी गाइज इसको स्लीवलेस स्टिच कराने का और यहाँ से हम इसको वी नेक ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छा सा लगेगा। चलिए फटाफट से देखते हैं इसका दुपट्टा। इसका जो दुपट्टा है गाइज ये भी नेट में रहने वाला है एंड आपको चारों तरफ ये इस तरीके का सिक्विन एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क का एक बॉर्डर मिलने वाला है जो कि बहुत अच्छा सा इसको ग्रेस दे रहा है। ये गाइज मुझे सेल प्राइस में 551 रुपीज का पड़ा जो कि मुझे कमाल की डील लगी गाइज। इस प्राइस में ये लहंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर गाइज आपको ये वाला पीस अच्छा लग रहा है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, डोंट हैव एनी सेकंड थॉट। मुझे ये वाला पीस पर्टिकुलरली बहुत 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 अच्छा लगा। ये जो चोली थी गाइज वो रेडी नहीं थी तो ट्राई ऑन में मैंने इसको ऐसे लपेट लिया है क्योंकि इसका जो मेन लुक है ना गाइज वो चोली डालने के बाद ही आएगा क्योंकि उसके ऊपर जो वर्क है ना गोल्डन वाला उससे एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेस आ रहा है इसके ऊपर। तो मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर लिया ताकि आप उसका एक प्रॉपर लुक देख सको। बाकी जब ये पूरा प्रॉपरली रेडी हो जाएगा ना तो बहुत ही कमाल का लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसका भी ट्राई ऑन कि पहनने के बाद ही कैसा लग रहा है। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. ये है गाइज लास्ट लहंगा और ये मेरा फेवरेट है। इफ यू आर अ ब्लैक लवर और यू लाइक सीक्वेंस डिटेलिंग तो ये आपका भी फेवरेट बन जाने वाला है। लहंगे का और चोली का जो मटेरियल है वो आपको जॉर्जेट में मिलने वाला है और जो दुपट्टा है वो इसका नेट में रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लहंगा। लहंगा जो है गाइज इसमें आपको ऊपर की तरफ इस तरीके का ये ओवरऑल सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है एंड गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ। और गाइज इसका जो बॉटम पार्ट है ना इसमें आपको ओवरऑल सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है पूरा जिगजैग पैटर्न
में। गाइज इस वाले लहंगे की जो क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी है, आप ये देख सकते हो। इसके जो सिक्वेंस है ना ये काफी प्रॉपरली स्टिच्ड है, ऐसा नहीं है कि ये निकल जाएंगे। और जो ये जो ऊपर वाला जो पैटर्न है ना ये भी बहुत ही प्रॉपरली स्टिच्ड है। तो गाइज इसकी क्वालिटी को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लहंगे के नीचे गाइज आपको इस तरीके की लाइनिंग मिलने वाली। इसका जो लहंगा है गाइज ये पूरा स्टिच नहीं है, ये आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको स्ट्रेच कराना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसकी चोली। इसकी जो चोली है गाइज ये कुछ इस पैटर्न में रहने वाली है। बॉटम में आपको पूरा सिक्वेन का पूरा ब्रॉड सा पोर्शन मिलने वाला है और नेक भी इसका ऑलरेडी बना हुआ है एंड स्लीव्स के ऊपर भी इस तरीके का छोटा छोटा सा वर्क दिया हुआ है। इसका जो दुपट्टा है गाइज ये नेट रहने वाला है और चारों तरफ आपको ये इस तरीके का सिक्वेन एंड एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर लगा हुआ मिल जाएगा गोल्डन पैटर्न में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो सेल प्राइस मुझे पड़ा गाइस वो था 834 रुपीस, जो कि मुझे इसकी ओवरऑल क्वालिटी को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इसका भी देखते फटाफट से ट्राई ऑन कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming. तो आज के लिए गाइज बस इतना ही। होप आपको ये लहंगा रिव्यूज पसंद आए होंगे। आपको सबसे अच्छा लहंगा कौन सा लगा ये प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गाइज आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट करिए प्लीज कि आप लोग आगे क्या देखना पसंद करोगे, क्या आइटम्स चाहते हो कि मैं आपके लिए रिव्यू करके लेकर आऊँ और किस तरीके का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए वीडियोज लेकर आऊँ आपके पसंद के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, फैमिली के साथ भी शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लीजिए आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा वाला ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। बाय बाय, लव यू ऑल।